नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2020 कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे, यानी कि दोस्तों अभी जो आपके एग्ज़ाम है पोस्टपोन हुए हैं वो आगे कब से शुरू होने वाले हैं, तो उस वीडियो में आपको अपडेट बताने वाला हूँ। और जो पहली कक्षा और 8वीं तक उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं, और 9th और 11th के एग्जामिनेशन जो कि वार्षिक परीक्षा है वो कब से शुरू होगी, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपडेट। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप राजस्थान बोर्ड के बाकी बच्चे भी एग्जाम की तैयारी डाउट नोट एप्लीकेशन पे कर सकते हो। यहाँ पे आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में किसी प्रकार का डाउट है तो उसका आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करना है, उसे सेंड कर देना, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों इस डाउट नोट ऐप पर आप क्विज खेल कर भी पैसे कमा सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें डाउट नोट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिए दोस्तों ये आपके राजस्थान, देखिए जो आपका एग्ज़ाम है क्लास 12th का, यानी सारे बोर्ड एग्ज़ाम उनके लिए जो दैनिक भास्कर में एक देखिए न्यूज़ छपी थी एक कल के अखबार की, देखिए प्रदेश के 20.58 लाख स्टूडेंट्स की बोर्ड परीक्षाओं के शेष पेपरों के लिए अभी और करना पड़ेगा इंतज़ार, यानी कि ये जो खबर है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। फिर यहाँ पर जो कोरोना का लॉकडाउन है उनके लिए दोस्तों देख सकते आप कि 58 लाख बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव, अब इस खबर में क्या बताया गया वो बता देता हूँ। ये जो खबर है दोस्तों ये आपकी नवज्योति से लिए गए, यानी कि जयपुर से, तो नवज्योति जो अखबार है उनका है। देख सकते हैं कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश में 21 दिन तक लॉकडाउन लागू है, यानी कि जो आपके माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन रखा है, और जो कि देखिए 14 अप्रैल को ख़त्म होगा। ऐसे में स्कूल की होम परीक्षा शिविर पंचांग अनुसार 9 अप्रैल निर्धारित, यानी कि जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे आपके, यानी कि जो वार्षिक परीक्षा है कक्षा 9th और 11th की, बाकी 6th और 7th की, वो आपके 9 अप्रैल से शुरू होने थी। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से अभी जो एग्ज़ाम है वो क्लास 9th और ये जो 11th के उनके एग्ज़ाम नहीं होने वाले। बाकी देखिए अगली क्लास में करवाने करने की दरकार, यानी कि जो 9th और 11th के एग्ज़ाम है वो भी आपके आगे प्रमोट किया जा सकता है। बाकी जो दोस्तों अगर हम बात करें जो कक्षा 5वीं की, तो 5वीं के एग्ज़ाम अभी हुए नहीं है स्टार्ट, तो उनका एग्ज़ाम अभी देखिए समय कम है, इस कारण से एग्ज़ाम आपके और देखिए नहीं कंडक्ट करे जा सकते 5वीं और 8वीं क्लास के एग्ज़ाम। देखिए 8वीं क्लास के एग्ज़ाम है अभी 2 एग्ज़ाम बाकी है, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय का, वही 10th की भी जो एग्ज़ाम है सामाजिक विज्ञान और गणित का बचा है। इसी के साथ ही दोस्तों जो 12वीं क्लास एग्ज़ाम है वो आपके एग्ज़ाम बचे हैं 1-2 एग्ज़ाम सभी मतलब स्ट्रीम के, तो उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं, देखिए अभी जो एग्ज़ाम है आपके अप्रैल के लास्ट वीक में हो सकते हैं, और अप्रैल के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने के बाद ही आपके जो एग्ज़ाम्स हैं यानी कि परीक्षा है वो आपकी देख सकते हैं। उसके एग्ज़ाम होने के बाद आपको रिजल्ट तैयार करने पड़ेगा, जो अभी सरकारी विभाग के सारे जो कार्य हैं वो बंद पड़े हैं कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए, इस कारण जो आपके एग्ज़ाम में देरी हो सकती है। और जो 9th और 11th के एग्ज़ाम हैं वो देखिए जो बोर्ड एग्जाम है राजस्थान बोर्ड के, उनके एग्ज़ाम होने के बाद उनका जो रिज़ल्ट है वो भी तैयार करना पड़ता है, इस कारण से आपके जो 9th और 11th के एग्ज़ाम हैं वो इस बार अगर देखिए ज़्यादा अगर इसका असर होता है तो एग्ज़ाम हो भी होंगे नहीं, और एग्ज़ाम नहीं होंगे तो दोस्तों आपको उनको अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि जो 9th वाले हैं उनको 10th में और जो 11th वाले हैं उनको 12th में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और बाकी जो न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ज़िले हैं, देखिए गुजरात है, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और जो केंद्रीय विद्यालय हैं KVS है, उनमें संगठन ने पहली से 8वीं क्लास तक के विद्यार्थी हैं उनको बिना परीक्षा के अंकों के आधार पर ग्रेड देकर अगली क्लास में प्रमोट करने का निर्णय लिया है, यानी कि जो उनको एग्ज़ाम नहीं कराए गए जो बाकी है पहली से 8वीं क्लास तक। वही अगर राजस्थान सरकार, ये देखिए राजस्थान सरकार ने क्या बोला है ये आप देख सकते हैं आराम से, राजस्थान सरकार ने छात्रों को प्रमोट करने के संबंध में अभी निर्णय लेना बाकी है, यानी कि राजस्थान सरकार RBSE बोर्ड ने अभी जो निर्णय नहीं लिया है कि प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, इस बात को आप यहाँ पे अखबार में देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अपने घर में रहिए दोस्तों, और बाकी जो 9th और 11th के एग्ज़ाम हैं उनको क्या किया जा सकता है दोस्तों कि अगर प्रमोट करते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम होते हैं फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट, और उसके बाद जो एग्ज़ाम है आपके कौन से ये आपके हुए थे ना एग्ज़ाम दोस्तों हाफ ईयरली के, इन चारों के
जो हम आपके जो नंबर आए हैं इन चारों के क्रमांक के अनुसार आपको जो वार्षिक परीक्षा में अंक दिया जाएगा और उसी के अनुसार आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल को प्रेस करना, ठीक है। ये अपडेट आप सारी देख सकते हैं, फेल करने का नियम भी नहीं है, यानी कि जो RTI के हैं वो उनको फेल करने का नियम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जैसे ही कोई अपडेट आती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से तो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।